पत्नी से अफेयर के शक में नाबालिग की हत्या, शव को 5 टुकड़ों में काटा। महाराष्ट्र के मुंबई से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने शक के चलते नाबालिग लड़के की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के 5 टुकड़े कर घर में ही छिपा दिए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करता था, इस वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला मुंबई के चेंबूर इलाके का है। यहाँ रहने वाला शफीक अहमद अब्दुल मलिक शेख नाम के युवक ने 17 साल के ईश्वर भगवान आव्हाड़ की हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि ईश्वर और उसकी पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। इस बात से नाराज होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि मृतक ईश्वर का पालन पोषण अब्दुल की पत्नी के पिता ने किया था। इस वजह से अब्दुल की पत्नी ईश्वर को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। ईश्वर 2 दिन से गायब था। आरोपी के ससुर के पूछने पर उसने इस वारदात का खुलासा किया। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। RCF पुलिस स्टेशन में महड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसमें एक 17 साल का लड़का है जो किचन में उसको हाथ पैर जो काट के वहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी। इस सिलसिले में हमने शफी अहमद अब्दुल माजिद शेख ये एक्यूज को अरेस्ट किया है। ये जो लड़का मारा गया है वो उसके जो वाइफ थी, वाइफ का जो भाई करके उसको माना था, और इस सिलसिले में तहकीकात में ऐसे सामने आए कि जो विक्टिम था, विक्टिम एक्यूज की वाइफ और उसके बहन की छेड़ निकालता था, और इस सिलसिले में उसको एक्यूज ने 2-3 बार बताया भी था लेकिन वो मान नहीं रहा था करके उसने 28 तारीख को उस एक्यूज ने उसका उस घर में मर्डर किया और उसकी बॉडी जो है वो किचन में डंप किया।